न्यूज लाइव राजस्थान पर आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान में आया आनंद पाल से भी बड़ा बदमाश, चार घंटे भी नहीं रोक सकी पुलिस, अफसरों के हाथ पैर फूले। 5 लाख के इनामी बदमाश आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर के बाद राजस्थान पुलिस ने कुछ दिन शांति ली, लेकिन अब आनंद पाल से भी बड़ा बदमाश राजस्थान में आया है। बदमाश इतना खतरनाक है कि 4 घंटे भी राजस्थान पुलिस को उसके हवालात में नहीं रोक सकी। तड़के 4 बजे उसे अरेस्ट किया और 8 बजे पुलिस थाने पर मशीन गन से गोलियां चलाने के बाद उसके साथी उसे हवालात से छुड़ा ले गए। बात कर रहे हैं यहां हरियाणा के मोस्ट वांटेड बदमाश पपला और पप्पू गुजर की। पपला और पप्पू हरियाणा पुलिस का मोस्ट वांटेड है, पंजाब पुलिस भी उसकी तलाश में है, इसी कारण उसने अब राजस्थान की ओर रुख लिया है। कौन है पपला गुजर, आइए जानते हैं। हरियाणा, पंजाब और अब राजस्थान का मोस्ट वांटेड पपला गुजर, उसका भाई जुथर गुजर, दोनों बड़े बदमाश हैं। पपला पर मर्डर के 4 मुकदमे दर्ज हैं, साथ ही लूट और मारपीट के भी कई मामले दर्ज हैं। छोटे भाई जुथर गुजर पर भी कई मामले दर्ज हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने और हथियारों के साथ लगातार फोटो पोस्ट करने वाले दोनों भाइयों को काफी समय से पुलिस तलाश कर रही है। पपला को 4 साल पहले गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन वह जल्द ही जेल से बाहर आ गया। अब राजस्थान में पैर पसार रहा है गिरोह। पपला को बहरोड पुलिस ने लूटपाट और गंभीर मारपीट के मामले में अरेस्ट किया था। उसकी तलाश लंबे समय से थी। आज तड़के करीब 3 बजे से 4 बजे के बीच ही उसे अरेस्ट किया गया था, लेकिन 4 घंटे बाद ही उसके साथी उसे छुड़ा कर ले गए। बदमाशों ने बहरोड थाने पर AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी, तो पुलिस वाले बाहर ही निकल आए। उसकी जान बचाने के बाद अफसर पहुंचे। बताया जा रहा है कि उनकी एक बोलेरो अलवर में कहीं खराब हो गई, तो उन्होंने रास्ते पर ही किसी युवक को पीट कर उसकी कार लूट ली और कार में बैठकर फरार हो गए। कोर्ट में फायरिंग का भी आरोपी एक ASI आज तक कोमा में। पपला और उसके साथियों ने 2 साल पहले अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए हरियाणा की महेंद्र कोर्ट में भी फायरिंग की थी। एक ASI ने सामना किया तो उसे बुरी तरह पीटा और गोली मार दी। नतीजा है कि 2 साल से आज तक ASI कोमा में हैं। उनको ब्रेन डेड बताया जा रहा है।